अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम मॉरिशियस सागर दरियातले साकर बैठ इस सबक का खुलासा अपनी आसान जबान में समझेंगे। हजारों साल पहले समंदर के अंदर भूकंप से धमाका हुआ था, तब यह जजीरा पानी पर तैरते हुए ऊपर आया। 500 साल पहले कोई भी इंसान इस जजीरे पर पहुंचा नहीं था। पुर्तगाल मल्ला वास्को द गामा की कमान में बटालियन अफ्रीका बर्याजम को चक्कर लगाते हुए जुनूब से मशरिकी सिमत से भारत की तलाश में रुख मोड़ दिए, तब यह बेड उन्हें दिखाई दिया। पुर्तगालन इस जजीरे पर रुके नहीं, लेकिन आगे पुर्तगाल से गोवा से आते हुए इस जजीरे पर ठहरते थे। सन 1638 में 10 लोग यहाँ पहुँचे। हमारा राजपुत्र मॉरिस द नासाउ, इसके नाम पर उन्होंने इस जजीरे का नाम मॉरिशियस ऐसा रखे। 10 लोगों ने इस जजीरे पर गन्ने की खेती की। इनके बाद फ्रेंच लोगों की ध्यान इस जजीरे पर गई। उन्होंने डचों से इस जजीरे पर कब्जा कर लिए। फ्रेंचों ने गन्ने की उपज को बढ़ाया और मॉरिशियस में शक्कर कारखानों की तामीर की। ब्रिटिशों ने फ्रेंचों से मॉरिशियस जजीरा 1810 में हासिल कर लिए। पोर्ट लुई ये मॉरिशियस की राजधानी यानी कि कैपिटल, यहाँ कुलीघाट है। पोर्ट लुई के बंदरगाह जहाँ भारतीय लोग उतरे, वही ये कुलीघाट है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई बंदरगाह पर जो लोग पोर्ट लुई इस बंदरगाह पर उतरे, उनमें से कोई भी भारत वापस नहीं आए। वे सब लोग वहाँ पर आबाद हो गए। अपने खून से पसीने से उन्होंने गन्ने के खेतों को बढ़ाया। घर उनके रिश्तेदार दूर कोकण, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में रह गई। सारे रिश्ते नाते छूट गए। अपने आखिरी नाम यानी कि सरनेम वे भी भूल गए। उन्होंने अपने नए नाम रख लिए। मॉरिशियस तहजीब का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बेतरतीबी मोजाइक हो गया। ऑटो सिमत के लोग यहाँ हाथ में हाथ डालकर रहने लगे। उनकी मेहनत से देश खुशहाल हो गया। 12 मार्च 1968 इस दिन मॉरिशियस मुल्क आज़ाद हुआ। लाल, नीला, पीला, हरा ऐसा चौरंगी झंडा मॉरिशियस मुल्क की शान को और बढ़ाता है। भारत देश की नस्ल में से मॉरिशियस के राष्ट्राध्यक्ष बने। तारीख की एक गर्दिश पूरी हुई। मॉरिशियस में 52% लोग भारत के वंशज में से हैं। बचे हुए फैंक्रो यानी फ्रांसी, एफ्रो यानी अफ्रीकन और एंग्लो यानी कि इंग्लैंड, ऐसे लोग मॉरिशियस में आबाद हुए। भारतीय मॉरिशियस में आबाद होते हुए भी अपनी जबानें नहीं भूले। वह मराठी और कोकनी जबानों का इस्तेमाल करते हैं। भारत से मॉरिशियस जहाज में सवारी बनकर गए वो भारत की केली। मॉरिशियस में हर एक भारतीय घर के दारे में केले का दरख्त दिखाई देता है, यानी कि भारत के लोग वहाँ पर अपने घर के आगे केले का दरख्त लगाते हैं। यह उनके भारतीयत्व की पहचान है। 1% लैंड एंड 99% फन, ये सफ़र किरदार लोगों को लुभाने वाली एक स्लोगन है। तो आज हमने मॉरिशियस सागर दरियातले साखर बेट इस जजीरे की सैर की।